हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आज है थर्सडे और अभी टाइम हुआ है 9:30, तो अभी हम लोग सब रेडी हुए हैं बाहर जाने के लिए। तो आज सब लोगों का मन है कि ब्रेकफास्ट हम लोग बाहर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी सिस्टर लोग आई हुई हैं, तो आजकल हम लोग उन्हीं के साथ काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। तो रात में भी हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे हिंजेवाड़ी, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा IT पार्क है और TCS का, तो वहाँ पर इतना बड़ा ऑफिस है। मैं बोल रही थी कि कितने किलोमीटर में इन्होंने मतलब ऑफिस बनाया हुआ है, तो आई थिंक 50,000 एम्प्लॉयज की कैपेसिटी ना हो, तो काफी बड़ा ऑफिस था। और वहाँ पे गए लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो मेरा मन था कि हम लोग यहाँ पे मस्तानी पियेंगे। इट सीम्स की पुणे की जो मस्तानी है वो काफी फेमस है, और सुजाता मस्तानी के पास हम लोग गए थे पीने के लिए, क्योंकि उन्हीं का रिकमेंडेशन में बहुत ज्यादा आ रहा था। और यहाँ पे काफी सारे सेंटर्स हैं सुजाता मस्तानी के, तो हम लोग तो वाकड़ साइड गए थे और हम लोगों ने फिर वो पी, और बहुत सारे फ्लेवर थे, लेकिन मुझे गुलकंद बहुत पसंद आया। हम लोगों ने सीताफल लिया था, मैंगो लिया था, गुलकंद लिया था और एक वनीला फ्लेवर लिया था, लेकिन मुझे जो गुलकंद फ्लेवर है वो बेस्ट लगा। तो हम लोग रात में वहाँ से आए और फिर हम लोगों ने मोमोज खाए रात में आने के बाद। तो ऐसे हम लोगों का लेट नाइट आजकल चल रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ। और आज मैंने सोचा था कि ब्रेकफास्ट में मैं उनको खिलाऊंगी ब्रेड रोल्स और ढोकला, लेकिन जीजी ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ये नहीं खाएंगे। हम लोग खाएंगे आज मिसल पाव, क्योंकि पुणे की जो मिसल पाव है वो काफ़ी अच्छी है और उनका काफ़ी मन था खाने का। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, बाहर ही ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर चलेंगे। हमारे घर के पास एक मल्लार मिसल सेंटर है, वहाँ की जो मिसल है वो काफ़ी अच्छी है और उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। जब से हम लोग आए हैं इंडिया, हम लोगों ने भी मिसल एक बार भी नहीं खाई है, और मुझे मिसल पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। UK में मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती भी थी, लेकिन आज बाहर खाएंगे तो देखते हैं कि कैसी मिलती है वापस यहाँ पे मिसल पाव। क्योंकि जहाँ पे हम लोग पहले खाते थे वहाँ की मिसल पाव एकदम बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती थी, एकदम धुएं निकालने वाली। लेकिन मेरे ऑफिस में जहाँ पे मैं जाती थी, वहाँ पे जो बाहर टपरियाँ रहती हैं वहाँ पे जो मिसल मिलती थी वो स्पाइसी वाला पानी अलग से देते थे एडजस्ट करने के लिए। लेकिन आज मल्लार पे मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी, कि मैं अभी तक वहाँ पर नहीं गई हूँ मिसल खाने के लिए, कि उनकी मिसल कैसे रहती है। और बस ऐसे हम लोगों का आजकल टाइम बीत रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो जी अभी हमारे पास है एक दिन के लिए शायद, और वो निकल जाएंगे क्योंकि उनकी वापस बेल्जियम की फ्लाइट है। लेकिन दीदी हमारे पास रुकेंगी 10 to 15 डेज के लिए, तो उनके साथ जो भी कैजुअल ब्लॉग्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और जो जब जी रहते हैं तो हम लोगों की कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो जाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी घूमना पसंद करते हैं, हम लोगों को भी पसंद है। तो आपने मेरे जो बेल्जियम वाले ब्लॉग्स हैं वो देखे होंगे दिसंबर वाले, तो ऐसे मतलब हम लोग फिर काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं देर नहीं करूँगी क्योंकि सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, और मैंने बोला कि नहीं, पहले मैं अपनी जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है उनसे तो बात कर लूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं फिर मिसल पाव खाने के लिए। मिसल पाव के लिए सब लोग रेडी? यस। हम लोग मिसल पाव खाने के लिए पहुंचे, तो जब हम शॉप पे गए ऐसा लगा कि यहाँ पे पक्का अच्छी मिसल पाव मिलेगी, लेकिन रेस्टोरेंट का रास्ता पीछे की साइड से था, तो अंदर जाके थोड़ा सा अच्छा लगा। और ये जो मिसल पाव सेंटर था ये हमारे घर के तो बहुत ही ज़्यादा पास था, हम लोग वॉक करके भी जा सकते थे, लेकिन उतना अंदाजा नहीं हुआ। और हम लोगों ने मिसल पाव ऑर्डर की, तो मिसल पाव कुछ ऐसी होती है। वैसे तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखी होगी, मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है। साबुत मूंग जो होती हैं स्प्राउटेड, उनको बॉयल करके और एक स्पाइसी पानी तैयार किया जाता है, और फिर उसको फरसान डाल के पाव के साथ खाया जाता है। तो ये मिसल पाव होती है, और महाराष्ट्र लोग इसको ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मील है और बहुत स्पाइसी होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कैसे सर्व होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आए थे तो उन्होंने मिर्ची वाला जो पानी था वो अलग से दिया था, आप लोगों को जितनी स्पाइसी करनी है उतनी स्पाइसी कर सकते हैं ऐसा दिया था। और रियली मिसल पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मतलब रेस्टोरेंट की शक्ल पे तो जाना ही नहीं है। बाकी यह है कि सब लोगों ने बहुत इंजॉय की। आयुष को स्पाइसी नहीं खाना था, तो उसकी मिसल पाव एकदम स्पाइसी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा कि हर किसी के टेस्ट बड के अकॉर्डिंग मिसल पाव मिल रही थी।
तो ऐसे हम लोगों ने फिर अपनी अच्छी अच्छी बातों के साथ मिसल पाव इंजॉय की और जिया जी को फाइनली बहुत पसंद आई मिसल पाव। अभी शाम हो गई है और हम लोग मिसल पाव खाकर आए, तो आते आते ही 12 हो गया था क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने काफ़ी लेट ही निकले थे और आए तो पूरा टाइम ऐसे बातों में ही बीत गया। तो हम लोगों का प्लान बना कि आज हम लोग जाएंगे शनिवार वाड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शो होता है, म्यूजिकल फाउंटेन लाइट शो होता है जो कि काफ़ी फेमस है। तो उसी का ही हम लोगों का प्लान बना है आज जाने के लिए। और वेदर भी देखते देखते वापस ख़राब हो गया, वरना आज का जो वेदर था वो सनी वेदर था। उसी के लिए फिर हम लोग निकले हैं और रास्ते में ये जो वॉल है उस पे बहुत सुंदर पेंटिंग हो रही थी, तो मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जो पेंटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो ऐसे जो आजकल पुणे की वॉल्स हैं उन पर बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे जो ये पेंटिंग थी पूरे एक्वेरियम की थी, तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी। अभी हम लोग आए हैं दगड़ू सेठ मंदिर, क्योंकि हम लोग शनिवार वाड़ा पहुंचे, वहां पर पता चला कि शनिवार वाड़ा अभी बंद हो गया है और जो लाइट शो है वो 7:15 पर शुरू होता है। तो हमने सोचा कि चलो दगड़ू सेठ मंदिर के ही दर्शन कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा हम लोगों का प्लान ही हो गया कि इस बहाने चलो बप्पा के दर्शन ही हो गए, हम लोगों को आना तो था ही यहाँ पर। दर्शन बहुत अच्छे हुए, भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, और वहीं पर ही एक शॉप थी रेनकोट की, तो अनवित के लिए हम लोगों को रेनकोट की ज़रूरत थी क्योंकि उसके स्कूल में मंगवाया था, कुछ तो रेनी डे सेलिब्रेट होने वाला है तो वही हम लोग रहने के लिए आए हैं, क्योंकि पास में ही तुलसी बाग है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और शॉप काफ़ी अच्छी लग रही थी, सबसे बड़ी बात थी कि फिक्स प्राइस शॉप थी जहाँ पर बार्गेनिंग का कोई टेंशन ही नहीं था। और अनवित को हम जैसे ये रेनकोट पहना रहे थे तो वो काफ़ी खुश हो रहा था और अपने आप को जाके मिरर में चेक भी कर रहा था, और आज लग भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था वो, और उतारने के लिए रेडी नहीं था तो उसको यहीं पर ही पहनना था, तो हम लोगों ने उसको पहना दिया फिर उसका रेनकोट। फाइनली हम लोग निकले शनिवार वाड़ा के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका था और बारिश भी गिर रही थी, तो वहाँ पे एक चाय की शॉप पड़ी तो हमने सोचा कि सबसे पहले चाय पीते हैं क्योंकि इसके बिना तो गुजारा नहीं है, और ये वाले वेदर में बाहर खड़े होके चाय पीने का जो मज़ा है वो तो एकदम अलग ही है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं शनिवार वाड़ा, और अभी भी बारिश हो रही है तो हल्का हल्का बूंदे गिर रही हैं, और अभी हम लोग टिकट लेने का ही वेट कर रहे हैं। जिया जी और सौरभ लाइन में लगे हैं टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी शो होगा लाइट शो उसके लिए टिकट्स लगती हैं। तो अभी ये 7:30 वापस ओपन होगा शनिवार वाड़ा, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसा लाइट शो होता है, और हम लोग भी यहाँ पे पहली बार ही आ रहे हैं, कभी नहीं आए यहाँ से। पास तो हम लोग बहुत बार हुए हैं दगड़ू सेठ मंदिर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे शो देखने हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अभी देखते हैं और आपको भी फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसा शो रहा। ये है शनिवार वाड़ा, और इसका बाहर का लुक देख के आपको लग रहा होगा कि अंदर से ये कितना बड़ा होगा, मुझे भी ऐसे लग रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एकदम क्यूरियस हो जाती हूँ। लेकिन पता चला कि 18th सेंचुरी में ये वाला जो महल है वो रुइन हो गया था, यहाँ पे आग लग गई थी, तो अंदर से जो किला है वो एकदम रुइन हो गया है, कुछ भी नहीं है अंदर। और अभी हम लोगों का जो शो
था वो 7:20 का था, लेकिन 7:20 वाला जो शो है वो कैंसिल हो गया था, तो अभी जो डायरेक्ट शो है वो 8:15 पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 आवर का वेट किया, तो वेटिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी लंबा लगता है, 1.5 आवर, और बारिश भी हो रही थी तो कुछ ऐसा शेड भी नहीं था बैठने के लिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने ऐसे लाइट लगाई थी जाने के लिए, तो वो काफी अच्छी थी, अंदर से तो एकदम अंधेरा था। ये वाला जो लाइट शो था वो उम्मीदों से भी बढ़कर था। इसकी टिकट ओनली 50 रुपीज़ थी, और 50 रुपीज़ मतलब बहुत ही कम लगी मुझे इस शो के लिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरी जो स्टोरी थी यहाँ की, और मस्तानी के बारे में भी सब कुछ बताया पूरा डिटेल में, और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो अगर आप पुणे कभी आए तो, और अगर आप पुणे में रह रहे हैं और यहाँ पे लाइट शो देखने के लिए नहीं गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये लाइट शो देखने के लिए ज़रूर जाएं। हम लोग बेल्जियम में ग्रैंड प्लास गए थे लाइट शो देखने के लिए, तो वहाँ पे वो जो लाइट शो हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बोलूँगी कि ये लाइट शो भी मतलब उससे कुछ कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है, इसका टिकट ये लोग बढ़ा सकते हैं, मैं ऐसा बोलूँगी, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, क्योंकि एकदम आई कैचिंग था और हम लोगों को पता भी नहीं चला कि कब हम लोगों के 45 मिनट ऐसे बीत गए। ऑलमोस्ट 45 मिनट का ये वाला शो था, पूरी स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। फाइनली हम लोगों का जो शो है वो ख़त्म हुआ, तो काफ़ी लंबा शो था, मैंने पूरा तो शूट भी नहीं किया क्योंकि मुझे यही लगा कि पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, बोर ना हो जाओ, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे तो और भी अच्छा है। तो बस हम लोग घर पहुँचे, तो पहले तो हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर ही खाना खाएँगे, लेकिन एक्चुअली दोपहर में हम लोगों ने लंच तैयार किया था, और लेकिन मन नहीं हुआ खाने का क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था मिसल पाव का। तो फिर सोचा कि जो लंच घर पे रखा है तो वही फिर हम लोग डिनर करते हैं, और प्रॉपर लंच था हम लोगों का आज का, तो वही हम लोगों ने फिर डिनर में खाया। तो ऐसा कुछ था हम लोगों का आज का डिनर। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय।